दोस्तों 7 फरवरी को टर्की और सीरिया में 3 बड़े भूकंप आए, जिसे देख पूरी दुनिया दहल उठी। इस भूकंप की हाईएस्ट इंटेंसिटी 7.8 नोट की गई, जिसे बेहद खतरनाक और विनाशकारी माना जाता है। ये भूकंप इतनी तेज था कि भूकंप और आफ्टर शॉक इफेक्ट के कारण 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 40,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। दोस्तों टर्की में भूकंप आना ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी टर्की में कई विनाशकारी और बड़े भूकंप आ चुके हैं। आइए समझते हैं इस वीडियो में कि आखिर टर्की में क्यों बार बार भूकंप आते रहते हैं। आ रही है सीरिया और टर्की 100 साल की सबसे बड़ी तबाही झेल रहे हैं और दोनों ही देशों से आ रही है भूकंप से मारे गए लोगों के दिल दहलाने वाली दास्तान। The number of people known to have died following a series of earthquakes and aftershocks in Turkey. दोस्तों हमारी धरती मुख्य तौर पर 4 लेयर्स यानी 4 परतों से बनी हुई है, जिसे क्रस्ट, मेंटल, आउटर और इनर कोर कहा जाता है। दोस्तों इसमें क्रस्ट और ऊपरी मेंटल कोर को लिथोस्फीयर कहते हैं। ये 50 किलोमीटर की मोटी परत है जो कई वर्गों में बटी हुई है, जिसे साइंस की भाषा में टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर कुल 7 प्लेट्स मौजूद हैं। ये प्लेट्स धीमी गति से घूमती रहती हैं। दोस्तों यही प्लेट्स जब जोर से हिलती हैं या आपस में टकराती हैं तो हमें भूकंप महसूस होता है। इसके साथ ही इन प्लेट्स के टकराने से बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह एनर्जी जिस स्थान से निकलती है उसे भूकंप का केंद्र यानी एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक कहते हैं। दोस्तों यदि हम टर्की की बात करें तो टर्की का ज्यादातर हिस्सा एनाटोलियन प्लेट पर है। इस प्लेट के पूर्व में ईस्ट एनाटोलियन और बाई तरफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है जो अरेबियन प्लेट के साथ जुड़ता है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में अफ्रीकन प्लेट, जबकि उत्तर दिशा की तरफ यूरेशियन प्लेट है जो उत्तरी एनाटोलियन फॉल्ट जोन से जुड़ा है। दोस्तों तुर्की के नीचे मौजूद एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूम रहा है, साथ ही इसे अरेबियन प्लेट धक्का दे रही है। जब घूमती हुई एनाटोलियन प्लेट को अरेबियन प्लेट धक्का देती है तब यह यूरेशियन प्लेट से टकराती है और इसी वक्त भूकंप के तगड़े झटके लगते हैं। दोस्तों तुर्की के भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ अक्सर भूकंप आते रहते हैं। साल 1990 में आए भूकंप से 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और इसी तरह तुर्की में हर साल भूकंप आते रहते हैं। लेकिन दोस्तों तुर्की में 7 फरवरी को जो भूकंप आया वो बेहद खतरनाक और विनाशकारी था। इस भूकंप से अभी तक 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 40,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, हजारों बिल्डिंग्स गिर गईं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। भूकंप से सुंदर शहर पल भर में खंडर में तब्दील हो जाता है। इसलिए दोस्तों दुनिया चाहती है कि कभी किसी देश में इतना बड़ा अर्थक्वेक ना आए। आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।